हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम धीरज है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार की भौगोलिक संरचना यानी फिजियोग्राफी ऑफ बिहार डिस्कस करेंगे। ये किस किस एग्जाम में मदद करेगा, किसी भी एग्जाम में जिसमें बिहार स्पेशल आता है, चाहे बीपीएससी वाला एग्जाम हो, उसके अलावा टीचर वाला एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती वाला, या बिहार एसएससी या बीपीएसएससी का जो भी एग्जाम होता है, दरोगा टाइप एग्जाम, उस सब में जिसमें बिहार स्पेशल आएगा उसमें इस टॉपिक से आएगा। और बिहार स्पेशल में मैंने आप लोग को बताया था कि बिहार स्पेशल में हम लोग दो टॉपिक सबसे पहले करेंगे, बिहार की ज्योग्राफी और बिहार की हिस्ट्री, बाद में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। बट ये हमारा प्राइम टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार का लोकेशन क्या है, बिहार के बाउंड्री क्या क्या है, बिहार का विस्तार कैसे है, लैटिट्यूडनल विस्तार और लॉन्गिट्यूडनल विस्तार यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम डिस्कस करेंगे, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद भारत के चारों तरफ, बिहार के चारों तरफ कौन कौन से राज्य या देश है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रमंडल से होकर गंगा नहीं गुजरती, ये भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ मेन। उसके बाद प्राकृतिक संरचना डिस्कस करेंगे कि बिहार में क्या क्या है आपको मिलेगा, वो अलग बात है, सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है, लेकिन मैदानी भाग के अलावे और क्या क्या है, जैसे शिवालिक का पार्ट है, उसके अलावे पठारी भाग है, नीचे नीचे के पार्ट में, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो इसका किस प्रकार के रॉक कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे आर्चियन क्रम की चट्टाने, विंध्यन चट्टाने, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में, ये बिहार का लोकेशन देखते हैं, तो बिहार में टोटल 38 जिला है, 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और बिहार 9 प्रमंडल में बटा हुआ है। 9 प्रमंडल में सबसे ज़्यादा किस प्रमंडल में सबसे ज़्यादा जिला आपको मिलेगा, पटना में, तिरहुत में और मुंगेर में। पटना, तिरहुत और मुंगेर में 6-6 जिला मिलेगा। उसके अलावा सबसे कम भागलपुर में आपको मिलेगा। अगर बिहार का लोकेशन देख लिया जाए तो बिहार के उत्तर में आप लोगों को नेपाल मिलेगा, दक्षिण में झारखंड जो कि बिहार से ही अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। आपको वेस्ट में यूपी मिलेगा और ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल मिलेगा। थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं बॉर्डर जिला कौन कौन है, ये देख लेते हैं। सबसे अगर बात करें सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे उत्तर नदन मोस्ट जिला है, उसका नाम है वेस्ट चंपारण। उसके अलावा जिसका हेड क्वार्टर आपको मिलेगा बेतिया में, ईस्ट चंपारण जिसका हेड क्वार्टर आपको मोतिहारी में मिलेगा। तो सबसे नॉर्थ में कौन है, वेस्ट चंपारण। सबसे साउथ में है गया। सबसे ईस्ट में है यानी सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वोत्तर जो जिला है उसका नाम है किशनगंज, और सबसे पश्चिमी जिला है उसका नाम है कैमूर। उसके बाद बात करते हैं नेपाल से जो सटा सटा जिला है वो कौन कौन है। नेपाल से 7 जिला बाउंड्री बनाता है, सबसे पहले वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। वेस्ट दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद सुपौल, अररिया और किशनगंज। उसके अलावा यूपी से 8 जिला बॉर्डर बनाता है। वेस्ट चंपारण के बाद आता है गोपालगंज, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा गोपालगंज का ही है। उसके बाद आता है सिवान, सिवान के बाद सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर और रोहतास। उसके बाद झारखंड से बॉर्डर देखे तो इससे भी 8 जिला बॉर्डर बनाता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और कटिहार भी बॉर्डर बनाता है। और वेस्ट बंगाल से सिर्फ 3 जिला, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और यहाँ देख सकते हो किशनगंज बॉर्डर बनाता है, किस किस से बॉर्डर बनाता है, नेपाल से भी बॉर्डर बनाता है और वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर बनाता है। ये याद रखिए, किशनगंज में ये खूबी है कि वो एक जिला से भी बॉर्डर बनाता है और एक राज्य से भी, एक देश से भी बॉर्डर बनाता है और एक राज्य से भी बॉर्डर बनाता है। सिंपल वेस्ट चंपारण का भी वही हाल है, नेपाल से भी बॉर्डर बनाता है, यूपी से भी बॉर्डर बनाता है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे
बिहार का जो क्षेत्रफल है, ध्यान देना हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं होना, बिहार का जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर लार्जेस्ट की बात करें स्टेट में 12वां है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो रैंक आ जाएगा 13वां, क्योंकि जो लद्दाख वाला पार्ट है वो बिहार से एरिया में बड़ा है। और बिहार का जो एरिया है भारत के टोटल एरिया का 2.86% है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन कितना है, 8.60% है। मतलब बिहार के टोटल पॉपुलेशन का 8.60 पॉपुलेशन है, जिसमें बिहार थर्ड रैंक पे आता है और एरिया में 12 रैंक पे आता है। बिहार का अगर लोकेशन देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा, जिसमें लंबाई इधर वाला ज़्यादा है यानी ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से ये वाला दूरी ज़्यादा है। ये वाला दूरी कितना है, 483 किलोमीटर, और ये वाला दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का दूरी कितना है, 345 किलोमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि पटना हमारा क्या है, राजधानी है। पटना के चारों तरफ कितने जिला है जो पटना से बॉर्डर बनाता है, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट है जो पटना से बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 9 कर भी दिया है। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, और इसके बाद जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। देखो अरवल सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ये याद रखिएगा अरवल। अरवल एक और चीज़ याद रखिएगा, एरिया में, एरिया की बात करें, देखो अरवल आपको सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है, अगर एरिया में सबसे छोटा की बात करें तो शिवहर है, और पॉपुलेशन में सबसे कम की बात करें तो शेखपुरा है। अरवल छोटा नहीं, याद रखिए। तो फिर अरवल में क्या दिक्कत है, देखो अरवल में क्या है कि अरवल का अपना लोकसभा सीट नहीं है। अरवल का जो लोकसभा सीट कहा जाता है वो किस नाम से कहा जाता है पता है, जहानाबाद से, क्योंकि अरवल जो अलग हुआ है वो जहानाबाद से ही अलग हुआ है। अरवल 38, 8, 38वां डिस्ट्रिक्ट है, वो अलग हुआ है, पहले दोनों किसके साथ था, जहानाबाद एक साथ था। क्लियर। अब यहाँ पे वेस्ट चंपारण है, सॉरी ठीक है, वेस्ट चंपारण एरिया वाइज सबसे बड़ा है, सबसे छोटा शिवहर है। शिवहर का आपको क्या ज़्यादा मिलेगा, शिवहर का आपको पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी 1880 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, अगर आपका बात करें सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, सबसे ज़्यादा किसका मिलेगा पर कैपिटा इनकम, पटना का पर कैपिटा इनकम, ये मैं आपको बताऊंगा सेंसस जब बिहार का कराऊंगा। और पर कैपिटा इनकम सबसे कम कहाँ का है, सबसे ज़्यादा है पटना, सबसे कम है शिवहर। पॉपुलेशन देख लिए, शेखपुरा का सबसे कम है। डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिवहर है, सबसे कम कहाँ पे, कैमूर में या पे। ठीक है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, रोहतास में होता है, जो पूछा हुआ था इस बारे। ठीक है, अब समझते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी अक्षांशीय विस्तार बिहार का कितना है। अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री के बीच, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री, यानी डिफरेंस ऑलमोस्ट कितना है, 3 डिग्री। और आपको पता है 1 डिग्री के ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर के आसपास होता है। और सेम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ पे है, 83 से लेके 88 के बीच है। ठीक है ना, 83 से 88 के बीच है, ऑलमोस्ट 5 डिग्री का डिफरेंस है। ज्योग्राफिकल एरिया तो हमने देख लिया, नॉर्थ टू साउथ ये देख लिया, ये याद रखिए। बिहार जो नॉर्मल जो मीन सी लेवल है ना, यहाँ पे समुद्र तल से लगभग कितना ऊंचा है, 52.73 मीटर ऊंचा है। उसके अलावा ये ऑलरेडी कर लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और सेकेंड है उर्दू, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेपाल से कौन कौन बॉर्डर बनाता है, यूपी, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पटना से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम समझते हैं बिहार का बेसिक बेसिक बात हम डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन से। फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्या क्या है, बिहार को 3 पार्ट में ऑलमोस्ट बांटा गया है। 3 पार्ट में कैसे, सबसे पहले आता है यहाँ पे, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट है, ये शिवालिक रेंज के अंदर आता है, यानी ये टर्शियरी क्रम की चट्टाने हैं। क्या है, तृतीय कल्प की चट्टाने हैं, तृतीय कल्प की चट्टाने हैं। उसके अलावा ये वाला पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थ कल्प की यानी क्वार्टनरी रॉक्स।
क्वार्टनरी रॉक्स। उसके अलावा ये पार्ट, और ये पार्ट बहुत पुराना है, ये धरवार रॉक इसको बोलते हैं और इसको विंध्यन रॉक बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? क्या बोलते हैं इसको, टर्सियरी रॉक या तृतीय कल्प की चट्टान, तृतीय। ये है चतुर्थ कल्प की यानी क्वार्टनरी रॉक्स, इसको बोलते हैं विंध्यन रॉक, विंध्यन रॉक, और इसको क्या बोलते हैं, धरवार रॉक। ये दोनों एक्चुअली है पठार, ये क्या है, मैदान, ये क्या है, पहाड़। समझ में आया? पठार, पहाड़, मैदान, बिहार में तीनों के अंश आपको मिलेंगे, पठार, पहाड़, मैदान। ये है पहाड़, ये है मैदान, ये है पठार। तो आपको एक चीज, आपको छोटा नागपुर जो लोग पठार है उसी का पार्ट ही नीचे वाला पूरा आपको मिलेगा। क्लियर? अब एक और चीज, ठीक है, यहाँ पे ये आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो जिला आपको देखने को मिल रहा है। कौन कौन से दो जिला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते, कैमूर, रोहतास और थोड़ा बहुत औरंगाबाद। तो अगर आपसे पूछा जाए औरंगाबाद में जो चट्टाने हो किस क्रम की चट्टान है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान है, विंध्यन क्रम की चट्टान है औरंगाबाद में, विंध्यन। अब इन तीनों को पहले आपको देखो, ये शिवालिक वाला जो है वो कौन से रेंज का होगा, टर्शियरी यानी तृतीय कल्प की चट्टान है। शिवालिक रेंज आपको कैसे मिलेगा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मान लो, ध्यान से देखो, ये कोई पहाड़ है, ये सबसे उत्तरी भाग है, थोड़ा गड्ढा होगा, फिर ऐसे करके मिलेंगे। यानी हमको क्या दिखा है, अगर सबसे ऊंचाई की बात करें तो ये सबसे ऊंचाई है, फिर ये एक वैली है जहाँ पे गड्ढा टाइप टाइप का है, और फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है। देखो वैली से ज़्यादा ऊंचा है, मतलब ये वैली के लिए भी पहाड़ है, बट ये पहाड़ ज़्यादा ऊंचा है, ये नीचा है। तो जो सबसे उत्तर में आपको मिलेगी वो है सोमेश्वर रेंज, जो उसके बाद एक वैली आपको मिलेगा जिसका नाम है हरहा वैली, उसके बाद सबसे साउथ में मिलेगा उसका नाम है रामनगर दून। कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे उत्तर में सोमेश्वर रेंज, उसके बाद एक मिलेगी आपको हरहा वैली, और उसके बाद सबसे बाहरी बाहर आपको क्या मिलेगा, रामनगर दून। ठीक है, इसको एक्चुअली, इसको हरहा वैली को दून घाटी भी बोलते हैं, दून घाटी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये घाटी भी बोला जाता है, वैली का हिंदी घाटी ही होता है ना, इसको दून घाटी भी बोला जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली, सबसे उत्तर में कौन आपको मिलेंगे, सोमेश्वर रेंज, फिर आपको हरहा वैली मिलेगी, फिर रामनगर दून। इनको डिटेल में हम नीचे डिस्कस करने वाले अपने नोट्स में। बिहार प्लेन को दो पार्ट में, एक उत्तरी अगर दक्षिणी, अगर एरिया की बात करें तो ज़्यादा कौन है, उत्तरी बिहार प्लेन, और एक कौन सी क्रम की चट्टान है, क्वार्टनरी। उसके बाद साउथ में मैंने आपको बताया था ना पठारी भाग है, इसमें दो प्रकार है, एक विंध्यन जो आपको किधर देखोगे, कैमूर रोहतास में देखोगे, कैमूर रोहतास में बिल्कुल किधर पास है, साउथ वेस्ट वाला पार्ट है कैमूर रोहतास और थोड़ा औरंगाबाद, धरवार बाकी नीचे। अब बोलोगे धरवार नाम क्यों पड़ा, देखो इस प्रकार के रॉक भारत में पहली बार कहाँ खोजे गए थे, कर्नाटक का एक जिला है धरवार, तो धरवार में इस टाइप के रॉक पहली बार मिले थे, इसीलिए इस प्रकार के रॉक का नाम ही रख दिया गया धरवार क्रम की चट्टाने। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं शिवालिक रेंज वाले को, ध्यान देना क्या है, पूरा शिवालिक रेंज को। शिवालिक रेंज को तीन प्रकार में बांटा गया ना, सबसे उत्तर में सोमेश्वर, सबसे दक्षिण में रामनगर दून, बीच में कौन है, हरहा वैली। ठीक है ना, हरहा वैली को एक और नाम मैंने बोल दिया, दून घाटी, दून घाटी। ठीक है, अब देखो ये आपको मिलेगी कहाँ, ये आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो वेस्ट चंपारण का है ना, वेस्ट चंपारण, ठीक है ना, वेस्ट चंपारण के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मिलेगा। इसका एरिया, लंबाई कितना है, 32 किलोमीटर लगभग, और चौड़ाई कितना है, 6 से 8 किलोमीटर है। टोपोग्राफी इसका बिल्कुल बटा हुआ है, तीन प्रकार में हम इसको बांट दिए। ठीक है, तीन प्रकार में सबसे पहले क्या नाम है, देखो एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो ये हमने बोला कि ये सबसे उत्तर में है, फिर एक वैली है, फिर रामनगर दून है, ऐसे है, लेकिन ये एक लाइन में थोड़ी होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर इसका हम फिगर बनाते हैं तो ये आपको एक पहाड़ टाइप का दिख रहा है, इस टाइप से ये पहाड़ टाइप का दिख रहा है।
तो ये पहाड़ में कई सारी नदियां बीच बीच में आएगी, तो आपको पासिस बनाएगी कि नहीं ये बताओ। तो पास आपको ये बनाती है, इस पास का कई सारे पास है, एक तो सोमेश्वर पास है, एक भिखनातोरी पास है और एक पास का नाम है मरवात पास। तीन पास है, सोमेश्वर पास, भिखनाथोरी पास और मरवात पास। जो भिखनाथोरी जो पास है वो किस रिवर्स के कारण बनती है, क्योंकि पास खोद के थोड़ी बनाया जाता है, एक रिवर के द्वारा बनाया गया जिसका नाम है कुदी रिवर, समझ में आया, कुदी रिवर। और जो एक मरवात पास है वो किसके रिवर के द्वारा बनाया गया, हरहा रिवर। क्लियर। अब ये सबसे पहले ये याद, इसका जो एरिया है, सबसे पहले सोमेश्वर रेंज की बात करते हैं। सोमेश्वर रेंज ये कहाँ से कहाँ तक, त्रिवेणी जो कनाल है, त्रिवेणी कनाल, ये त्रिवेणी नहर किस रिवर पे बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ये गंडक रिवर पे बनाया गया है। तो इसका एरिया देखा जाए त्रिवेणी कनाल से लेके भिखनाथोरी पास के बीच है, त्रिवेणी कनाल से भिखनाथोरी पास के बीच है। ये दो देशों के बीच बाउंड्री का काम करता है, इंडिया और नेपाल। और इसका सबसे हाईएस्ट फोर्ट है सोमेश्वर फोर्ट, समझ में आया, सोमेश्वर फोर्ट इसका सबसे ऊंचा चोटी है, सोमेश्वर की चोट सबसे सर्वोच्च चोटी आपको कौन है, सोमेश्वर की। कई सारे दर्रे बने हैं, दर्रे कौन कौन से, तीन दर्रे हैं, सोमेश्वर यानी सोमेश्वर या सोमेश्वर बोल सकते हैं, भिखनाठोरी और मरवात, तीन इसके दर्रे हैं। तीनों दर्रे किस किस रिवर के कारण बने हैं ये भी हमने देख लिया। अब अगला क्या है, सबसे पहले हम इसके इसके साउथ में ये है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, हरहा वैली के बारे में। इसका लेंथ है 24 किलोमीटर, ये रामनगर दून, ये साउथ वाला पार्ट और नॉर्थ वाला पार्ट इन दोनों के बीच में है। और ये वैली किस रिवर के कारण बनता है, ये एक्चुअली हरहा रिवर है, ये हरहा रिवर है। ये देखिए ना, यहाँ पे कुछ साल पहले ये कुछ मिला था, एक नदी या एक मछली, ठीक है, तो हरहा रिवर ये, कोई दिक्कत नहीं, ये बरहा लिखा गया, हरहा है। क्लियर, ये पॉइंट हमने समझ लिया ऑलरेडी। ये देखो ये ऑलरेडी ये पार्ट हमको पता है, इस वैली, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, ये मरवात है, मरवात बिटवीन रामनगर दून एंड सोमेश्वर रेंज के बीच है, इसका एरिया याद रखने की जरूरत नहीं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब देखिए रामनगर दून, राम सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा, इसका सबसे ऊंचा चोटी है संतपुर, संतपुर पीक, तो आप याद रख लिए। सबसे पहले सोमेश्वर की श्रेणी, उसकी सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर फोर्ट, ये फैला कहाँ कहाँ से है, त्रिवेणी से लेके भिखनाथोरी के बीच फैला है, ये बाउंड्री बनाता है इंडिया और नेपाल के बीच, सबसे सर्वोच्च चोटी है 874 मीटर में। कई सारे दर्रे बनते हैं सोमेश्वर, भिखनाथोरी और मरवात, ये दर्रे किन किन रिवर से होकर बनाते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद दून घाटी या हरहर घाटी इसको बोला जाता है, ये लगभग 24 किलोमीटर लंबा है। और उसके अलावा सबसे लास्ट में रामनगर दून बताया था, रामनगर दून थोड़ा सा छोटा पहाड़ है, एज कम थोड़ा छोटा नहीं बहुत छोटा बोल सकते, एज कम्पेयर टू सोमेश्वर सा, सोमेश्वर का सबसे ऊंचा है 874 मीटर। और बिहार, पूरे बिहार की सबसे ऊंची चोटी यही आपको दिखेगी सोमेश्वर। और सबसे ये रामनगर दून में सबसे ऊंची है 214, एक जगह उसका नाम है संतपुर करके नाम है, क्या नाम है, संतपुर पीक। तो ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज़ तो हमने नॉर्मल जो ज्योग्राफी हमने किया था उसमें डिस्कस किया था कि पहाड़ जैसे ही ख़त्म होता है तो पहाड़ के बाद एक रीजन आता है जिसको बोलते हैं भावर, भावर बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे आते हैं, भावर के जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलती है, तराई, तराई के जस्ट नीचे बांगर और उसके बाद खदर मिलती है। तो तराई आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, पूर्णिया में मिलेगी, अररिया में, किशनगंज में, याद करना, पूर्णिया अररिया किशनगंज में आपको मिलेगी। नॉर्थ जो तराई होगी ना, ऑब्वियसली क्योंकि भावर वाला पार्ट है, भावर यहाँ पे तराई शुरू हुआ, तो बड़े बड़े पत्थर होंगे तो तराई के क्योंकि ये ऐसे होती है, पहले भावर फिर तराई, तो ये नॉर्थ में है, तो जो नॉर्थ का तराई होगा उसमें थोड़े थोड़े पत्थर आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े पत्थर मिलेंगे, तो रॉकी और पोरस रीजन होगा, यानी वाटर इसका नीचे चला जाएगा, तो वहाँ पे वाटर टेबल ऊंचा हो सकता है। बट तराई के साउथ वाले पार्ट में आपको मार्सी और स्वैम्पी लैंड मिलेंगे, ठीक है, तराई जो है उसके साउथ वाले रीजन में। चलो अब हम डिस्कस करते हैं, ये पहला पार्ट हमने पूरा डिस्कस कर लिया,
ये वाला पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं बिहार का ये वाला पार्ट, मैदानी भाग। मैदानी भाग दो प्रकार में पार्ट में बटा हुआ है। गंगा रिवर क्योंकि बीचे बीच से गुजरती है, और गंगा कितने जिलों को काटती है, 13 जिलों को काटती है, मतलब 13 जिलों से पास होके जाती है, ये याद रखना है आपको। जिस तरह पटना 9 जिलों से बाउंड्री बनाता है, उसी तरह गंगा 13 जिलों को काटती हुई जाती है, ठीक है। प्लेन दो पार्ट में बटा, एक नॉर्थ बिहार का प्लेन और एक साउथ बिहार का प्लेन। नॉर्थ बिहार का प्लेन किसको बोलते हैं, जो गंगा नदी से उत्तर में है, जो गंगा नदी से दक्षिण में, उसको क्या बोलते हैं, साउथ बिहार का प्लेन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ठीक है। तो उत्तर बिहार के प्लेन में आपको कई सारी नदियां मिलेगी। ये सारे नदियां के बारे में हम डिटेल में रिवर वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, घाघर, गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, समझते हैं। अगर प्लेन की बात करें तो पूरे बिहार में मेजॉरिटी पार्ट में आपको प्लेन मिलेगा, यानी पूरे बिहार के टोटल एरिया का लगभग 96.27% एरिया में आपको प्लेन मिलेगा। नॉर्थ प्लेन का एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ प्लेन, उत्तरी मैदानी का एरिया ज़्यादा है दक्षिणी मैदानी से। और ये फैला कहाँ कहाँ तक है, शिवालिक, क्योंकि आप जो सोमेश्वर रेंज देखते हो पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में एक्चुअली ये पार्ट किसका है, शिवालिक ऑलरेडी किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है। हिमालय का दक्षिणी चोटी, जो दक्षिणी वाला जो है चोटी, वो सबसे छोटी है, आपको पता है सबसे ऊपर में है कौन है, हिमाचल, फिर हिमाद्री, फिर शिवालिक, है ना, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। शिवालिक सबसे दक्षिण में, शिवालिक से लेके छोटा नागपुर तक के पूरे बीच में आपको क्या मिलेंगे, प्लेन ही मिलेंगे। इसका स्लोप कितना है, 5 to 6 cm/km, स्लोप का मतलब है ढलान, ऐसे ढलान करता है हर 1 किलोमीटर बाद। ये इसकी जो ऊंचाई होगी सी लेवल से, और इसकी जो ऊंचाई होगी सी लेवल से, इसकी ऊंचाई सी लेवल से कितना ज़्यादा होगी, अगर यहाँ पे 75 होगी तो यहाँ पे 70 होगी, क्लियर है ना। और ये टिल्टेड किस प्रकार से है, नॉर्थ वेस्ट, यानी इस तरह से, ये होता है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपका प्लेन इस तरह से टिल्टेड होगा, ये झुकाव इस तरह से होगा, समझ में आया ना। और यहाँ पे आपको ऑक्सबो लेक मिल जाएगा, चौर्स मिल जाएगा, चौर जहाँ पे पानी भर जाता है, चौर मन वगैरह बोलते हैं। और ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऑक्सबो लेक देखो ऐसे होता है, रिवर ऐसे घूम घूम के जाती रहती है ना, कभी कभी कैसे होता है कि रिवर अपना ये कट जाती है, मान लो ये रिवर यहाँ से यहाँ मिल गई, ये पार्ट कट गया, तो इस टाइप का एक लेक बन जाता है, जिसको लगता है ना ऑक्सबो, मतलब बैल का जो खूर होता है उसकी तरह कोई लेक बन जाता है। जैसे बिहार का पहला रामसर साइट कौन है, वो भी एक ऑक्सबो लेक ही है। अब बताना है बिहार का पहला रामसर साइट, और बिहार में अब कितने रामसर साइट हो गए, क्योंकि टोटल 3 हो गए हैं बिहार में, तो आपको बताना है पूरे इंडिया में कितने, ये भी आपको बताना है। 85 अप्रॉक्स हैं, मतलब मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन 85 है। क्या आप बताना कि इसके बाद भी कोई ऐड हुए हैं, क्योंकि बिहार के 2 ऐड हुए थे ना, तो बिहार के 3 हो गए, आपको तीनों का नाम बताना है। मैं इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, और कमेंट करना है। चलिए, प्लेन जो डिवाइड होता है मैंने आपको बता दिया, प्लेन डिवाइड होता है भावर में, तराई में, बांगर में, खदर में, बट बिहार में कुछ इस तरह है, क्योंकि तराई का मात्रा बहुत कम है, भावर, बांगर, खदर और चौर, चौर को भी एक प्रकार का तराई ही बोल सकते हैं, तराई में जहाँ पानी नहीं बहुत जमा हो जाता है, चौर मन भी यही है जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, आपको कई सारे चौर मिलेंगे। और जैसे वेस्ट चंपारण में आपको लखनी चौर मिलेगा, मन पिपरा सिमरी सरे, ये बहुत सारे एरिया है ईस्ट चंपारण में मिलेगा, ये नाम याद मत रखना है इतना। सुंदरपुर चौर है या बहादुरपुर चौर है, ये तितरिया और माधोपुर में, चौर और मन जो है ना ये भी ऑक्सबो लेक टाइप का होता है, पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। एक्सटेंट हमने देख लिया कहाँ से कहाँ तक है, कई सारे नदियाँ बनती है, चौर फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सबो लेक, ये सारे प्लेन बनाए जाते हैं, अलग अलग नदी, ये इस नदी का एरिया ये है, इस नदी का एरिया ये है, क्योंकि ये नदी कोसी आएगी ना तो जब फ्लड आएगा तो अपना मिट्टी बाहर छोड़ देगी, तो ये मिट्टी का जितना एक्सटेंट इसका होता है ना उसको कोसी का प्लेन बोल देंगे, कोसी का बेसिन बोल देंगे। अब हम देखते हैं साउथ गंगा प्लेन, एरिया में थोड़ा सा छोटा है,
ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो बिहार के टोटल एरिया का 42% है यहाँ पे, और जनसंख्या क्या है 36%। ठीक है, ये एरिया आपको मगध, पटना, मुंगेर और भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में आएंगे, ये याद रखिएगा। जो साउथ बिहार प्लेन है ना, उसका जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको खड़गपुर हिल्स मिलेगा, मुंगेर में खड़गपुर हिल्स मिलता है। जो साउथ बिहार प्लेन है, वेस्ट साइड में ज़्यादा चौड़ा मिलेगा, यानी इधर ज़्यादा चौड़ा और इधर थोड़ा कम चौड़ा, ऐसे मिलेगा। वेस्टर्न प्लेन में एलुवियल प्लेन स्लोप फ्रॉम साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैलेगा। सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में, ये देखो इधर वाले पार्ट में स्लोप इसका इस तरफ है, बट इधर वाला पार्ट में और इधर वाले पार्ट में इसका स्लोप इस तरफ है, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे आपको राजगीर मिलेगा जिसकी ऊंचाई कितनी है 445 मीटर, और खड़गपुर रेंज है जिसका एलिवेशन 300 मीटर या उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, साउथ बिहार प्लेन में ये सब पार्ट है, शाहाबाद प्लेन, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, ताल रीजन, क्यूल रीजन और चंदन प्लेन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट ध्यान सकते हो कि जो पुनपुन रिवर है और क्यूल रिवर है, फाल्गु रिवर है, ये शुरुआती में गंगा के पैरेलल फ्लो करती है। फाल्गु जो है ना, फाल्गु नदी गंगा से मिलने से पहले ताल पे ही अपने आप को एंड कर लेती है। ठीक है, बिहार में एक टर्म है दियारा, दियारा एक फ्लड प्लेन है, याद रख सकते हो। बहुत सारे जो रिवर अपना साथ पानी के साथ मिट्टी लाती है ना, वो सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है फ्लड के समय में, इसी प्रकार के टर्म को दियारा बोलते हैं। यहाँ पे याद रख सकते हैं, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन है ना, ये पटना टू मोकामा और फतुहा से लखीसराय तक फैला है, इसको हम सिकनेस ऑफ बिहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकनेस ऑफ बिहार। इसका एक्सटेंशन हमने देख लिया साउथ बिहार प्लेन में। फिर ये गंगा से छोटा नागपुर प्लेट तक, क्योंकि ये है गंगा, गंगा के उत्तर में नॉर्थ बिहार प्लेन, इधर साउथ बिहार प्लेन, और यहाँ छोटा नागपुर प्लेट, ये उसी के बीच में, नॉर्थ बिहार प्लेन से छोटा है नॉर्मली। इसका शेप ट्रायंगुलर है, कुछ इस तरह से शेप है इसका, और इसमें कई सारे हिल्स आपको मिलेंगे, बराबर हिल्स, राजगीर हिल्स, ग्रियक हिल्स, खड़गपुर हिल्स, ये जहानाबाद, नालंदा और मुंगेर में ये सारे मिलेंगे। एलिवेशन क्या है इस तरह, साउथ में थोड़ा ऊंचा है और साउथ से नॉर्थ की तरफ इसको आप स्लोप मिलेगा, क्योंकि इधर का पानी फिर कहाँ में जाना है, गंगा रिवर में जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो विंध्यन रॉक की चट्टाने हैं ना, वो आपको कैमूर, रोहतास में, थोड़ा बहुत औरंगाबाद में मिलेगा। ये मैंने आप लोग को बता दिया, शिवालिक रेंज यहाँ पे, उसके नीचे तराई वाला पार्ट होता है, नॉर्थ प्लेन, साउथ प्लेन, ये धरवार रॉक है, गंगा रिवर यहाँ पे, एक क्वाटनरी रॉक है। अब तो हमने अभी क्या डिस्कस कर लिया, सबसे पहले हमने उत्तर का पहाड़ डिस्कस कर लिया, फिर बीच में हमने गंगा का मैदान भाग डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं दक्षिण में जो पठार है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको बहुत नैरो रीजन में मिलेगा, बहुत ज़्यादा रीजन में नहीं मिलेगा, नैरो रीजन है, पतला सा। ठीक है, ये भी ज़्यादा ले, ये इतना भी नहीं होगा। ठीक है, ये कैमूर से लेके मुंगेर यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा, और इवन बांका डिस्ट्रिक्ट में भी फैला है इस तरह से। ठीक है, इसका एरिया इतना है। दो, अब समझ लेते हैं इसके दो पार्ट है, एक पार्ट जो है कैमूर वाला, प्लेट्यू ऑफ कैमूर, जिसे हम प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी बोलते हैं, और इस पार्ट में यहाँ पे ये कौन सा है, विंध्यन क्रम की चट्टान है। यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है रोहतासगढ़। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या क्या, ऐसे चीज़ मिलेगा जिससे बिल्डिंग बनाया जा सकता है, जैसे सैंडस्टोन, क्वार्टाइज्ड, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सेल, ये सब मिलता है। दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं हिल ऑफ खड़गपुर, ये आपको मुंगेर में मिलेंगे। मेनली मेजर पार्ट हिल ऑफ खड़गपुर का आपको मुंगेर में मिलेंगे, लेकिन कुछ पार्ट आपको बांका और जमुई में है। इसका हाइट आपको 450 मीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी कई चीज़ मिलती है, ग्रेनाइट, सेल, स्लेट, क्वार्टजाइट। ठीक है, उसके बाद गया की बात करें, गया का जो माउंटेनियस पार्ट है, वहाँ पे गया और जहानाबाद के बॉर्डर पे आपको बराबर और नागार्जुनी केव मिलेगी, हम लोग को पता है ना, केव। उसके अलावा राजगीर में एक वैभव गिरी है, इसका ऊंचाई है 380 मीटर, राजगीर में वैभव गिरी है। यहाँ पे क्वार्टाइज मिलेंगे, इवन स्लेट मिलेंगे, और इवन शांति स्तूपा राजगीर में ही मिलता है। ठीक है,
अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये हम सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए, मतलब जो जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट में यहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे धरवार है, बिंधेन है, टर्सियरी है और क्वार्टनरी है। ठीक है, सबसे पहले हम धरवार की बात करते हैं। नाम धरवार क्यों पड़ा ये तो हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि इस टाइप का रॉक सबसे पहले कर्नाटका के धरवार जिला में मिला था, इसलिए नाम पड़ा। ये एक्चुअली आर्चियन क्रम की जो चट्टाने हैं, जो कि बहुत पुरानी है, उस चट्टान का मेटामॉर्फिज्म किया गया था। देखो, रॉक तीन प्रकार के होते हैं ना, इग्नियस, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं, दो अलग अलग रॉक है ना, पहले इग्नियस, सेडिमेंट्री, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव लिया जाए तो ये क्या कर लेता है, ये रॉक अपने आप कुछ बदलाव ला लेता है, ला देता है अपने में, जिसको मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं इस प्रोसेस को। धरवार क्या है, एक्चुअली ये आर्चियन क्रम की चट्टाने का सब सिस्टम है। ये मिलता कहाँ कहाँ पे आपको, मुंगेर का खड़गपुर माउंटेन, जमुई, नवादा, राजगीर और बोधगया, उस वाला पार्ट में, नीचे वाले सारे पार्ट में। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, हमको पता है, इसमें ये चीज़ से मिलता है, बट डोमिनेंट क्या मिलेगा, माइका और सिस्ट। सिंपल है, धरवार रॉक में माइका बहुत ज़्यादा मिलता है, ये इग्नियस रॉक का पार्ट है, इग्नियस रॉक है, और इसमें बदलाव करके क्योंकि इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिज्म बना हुआ है। दूसरा है विंध्यन, ये प्री कैम्बियन का पार्ट है, ये याद रखिए, ये आर्चियन क्रम की चट्टान है, ये प्री कैम्बियन, ये गंगा और डेक्कन जो सिस्टम है ना उसके बीच का दीवार है। ये सोन रिवर के उत्तर में मिलता है, कैमूर और रोहतास, यहाँ पे पायराइट मिलता है, ध्यान देना, विंध्यन में पायराइट मिलता है जिससे गंधक बनाया जाता है। औरंगाबाद में एक जगह है नवी नगर, औरंगाबाद ये जिसमें हमने बोला था कि ये भी विंध्यन क्रम की चट्टाने का पार्ट है, नवी नगर में वोल्केनो के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना, धरवार और विंध्यन दोनों दोनों किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, यानी ये दोनों जमीन बहुत पुराना है। टर्सियरी इसके बाद का है, क्वार्टनरी तो बहुत बच्चा है इन लोगों के सामने। क्वार्टनरी के बारे में बोला जाता है कि वो तो बना ही है लगभग 1 मिलियन साल पहले। थर्ड आता है टर्सियरी, दो जियोलॉजिकल इवेंट हुआ है टर्सियरी से रिलेटेड, एक तो गोंडवाना लैंड का फाइनल फ्रेगमेंटेशन हुआ, हमने आप लोगों को बताया था ज्योग्राफी में, दो प्रकार के दो चीज़ थे सब बहुत पहले, लगभग 200 मिलियन साल पहले, एक था पेंजिया और एक था पैंथलासा, मतलब टोटल जो लैंड बॉडी था वो एक साथ था, जिसको बोलते थे पेंजिया। पैंथलासा बोलते थे सारा वाटर बॉडी एक साथ था, लेकिन लैंड बॉडी पहले दो पार्ट में टूटा, एक को हम लॉरेशिया बोलते थे और दूसरे को गोंडवाना लैंड, जो दक्षिण में था गोंडवाना लैंड, जिसके जिसका पार्ट है इंडिया का प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब। तो गोंडवाना लैंड का फाइनल फ्रेगमेंटेशन हुआ, टूटा, जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुआ, इंडियन प्लेट अलग हुआ, इधर अफ्रीकन वगैरह अलग हुआ, ये सब। और दूसरा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो दो मेजर इवेंट है इस काल के। हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आपको पता है, जो इंडियन प्लेट था और यूरासियन प्लेट था, जिसके टकराने से, जो बीच में 33 सी था, उसके टकराने से क्या हुआ, एक फोल्ड माउंटेन बना, जिसको हिमालय हम लोग जानते हैं। ये सिंध जो पाकिस्तान में है उससे म्यांमार तक लगभग फैला है। मरीन फ्लुविटाइल और सब एरियल डिपॉजिट यहाँ पे मिलते हैं, मेसोजोइक एरा का ये बात है, और क्वार्टनरी बहुत नया है, प्लेस्टोसीन पीरियड का है। ठीक है, तो ये इस वीडियो का पूरा हमने कवर कर दिया, फिजियोग्राफिक ऑफ बिहार में, इससे बाहर नहीं टर्म आएगा। और जो सेकेंड वीडियो है हम लोग का लाएंगे, सेकेंड वीडियो में हम रिवर डिस्कस करेंगे, फिर सॉयल डिस्कस करेंगे, रिवर सॉयल, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने हैं वाले वेजिटेशन। ठीक है, जैसे ही हमारा ज्योग्राफी का मेजर चंक कंप्लीट हो जाएगा, जो मेजर मेजर पार्ट है, उसके बाद हम लोग सेंसस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार का हिस्ट्री। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग को पसंद आता है तो एनसीईआरटी जोन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि हमने बिहार स्पेशल शुरू किया। और क्या क्या हम इस चैनल पे शुरू किए हुए हैं ये मैं पहले बता देता हूँ। एक तो हमारा साइंस स्पेशल डिस्कस किया, जिसमें हमने 9th का 8 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं, आज 9th चैप्टर आने वाला है। उसके अलावा साइंस का 9th का जो एनसीईआरटी है, उसके बाद हम 10th का एनसीईआरटी करेंगे, साथ में साथ हम लोग घटना चक्र का पूर्वावलोकन, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, ये दोनों कर रहे हैं।
ये तीन चीज़। इसके अलावा TRE के लिए हम लोग डेली टेस्ट तो नहीं, अल्टरनेट डे पे टेस्ट का प्रावधान करें कि 40 क्वेश्चन का प्रॉपर टेस्ट हो, जिसमें हम सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो BPSC में ऑलरेडी आ चुका है। 40 क्वेश्चन जो GS का होता है वो, तो आज हमारा वीडियो आएगा TRE 1 में, जो 11th 12th का जो पेपर आया था सबसे पहले उसको करेंगे TRE 1 में। उसका TRE 1 का, 9th 10th का, 6 to 8 का, और इसका TRE 2 का भी ऐसे ही। तो लगभग हमारे पास 9 या 11 पेपर ऐसे हैं, 10 पेपर जो हम पहले करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग खुद से पेपर बनाएंगे और फिर आपको करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।